करनाल के प्रीतम नगर में एक मकान की छत गिर गई। मकान की छत गिरने से आसपास हड़कंप मच गया। मकान की छत गिरने से 3 बच्चे मलबे में दब गए, जिनमें से 2 बच्चों को निकाल लिया गया, जबकि एक बच्ची को 1 घंटे के बाद निकालने में कामयाबी हासिल हुई। इस दौरान बच्चे की मौत हो गई। बताते चले कि प्रीतम नगर में यह एक बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें एक मकान की छत गिर जाने से 3 बच्चे मलबे के नीचे दब गए, जिनमें से 2 बच्चों को निकाल लिया गया, परंतु एक बच्चे की मौत हो गई, जिसको भारी मशक्कत के बाद पुलिस बल व लोगों की ओर से बाहर निकाला गया। इस हादसे से प्रीतम नगर के लोगों में डर का माहौल है। वहीं लोगों ने प्रशासन से अनुरोध किया कि वह खस्ता हालत मकानों को चिन्हित करें, ताकि समय रहते ऐसे हादसों पर रोकथाम लग सके। बता दें कि बेगूसराय बिहार निवासी दिलीप कुमार भारत इंजीनियरिंग कंपनी में मजदूरी करता है, जो कॉलोनी में ही फिलहाल बंद पड़ी फैक्ट्री के साथ ही स्थित एक कमरे के घर में पिछले करीब 8 साल से परिवार सहित रह रहा है। शुक्रवार देर शाम वह ड्यूटी पर था, जबकि घर में उसकी पत्नी कमरे के बाहर कपड़े धो रही थी। उनकी 14 वर्षीय बेटी अमीषा खाना बना रही थी। 10 वर्षीय रजनीश व करीब 7 वर्षीय लक्ष्मी टीवी देख रहे थे, तभी अचानक से छत गिर गई, जिसके मलबे में ये तीनों दब गए। धमाके की आवाज सुनकर दिलीप की पत्नी डर गई और चिल्लाने लगी। तभी उसी मकान के में ऊपर के कमरे में रहने वाली पूजा, संगीता व अन्य पड़ोसी इकट्ठे हुए और मलबे से बच्चों को निकालने लगे। सूचना मिलते ही सेक्टर 4 पुलिस चौकी इंचार्ज अनिल कुमार टीम सहित मौके पर पहुंचे। इसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाया गया। तीनों बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां लक्ष्मी ने दम तोड़ दिया। करनाल से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। हालत में थी और बारिश आने के कारण थोड़ी सी और गंडम होगी, जो कि छत ये शाम को गिर गई थी 6:30 बजे के करीब, जिससे कि बच्चे नीचे बैठे थे, खाना खुना बना रहे थे, वो दबके थे जी। उसके बाद यहाँ पब्लिक कॉलोनी में काफ़ी शोर शराबा हुआ और आसपास के लोगों ने हमने सरों ने रल मिल के हेल्प करके 2 बच्चों को तो निकाल दिया था। उनको एम्बुलेंस बुला के वहाँ कपड़ा चावला में भेज दिया है मेडिकल में, और तीसरा बच्चा भी काफ़ी मेहनत कश करने के बाद काफ़ी और लोगों की मदद सपोर्ट से उनको तीसरे बच्चे को भी निकाल लिया गया है। हॉस्पिटल लेके गए? हाँ जी, हॉस्पिटल लेके गए हैं। कितने बजे हादसा हुआ था? ये तकरीबन 6:30 बजे के करीब होया। आपका नाम? हाँ जी, मेरा सुनील कुमार है। बच्चों की माँ भी थी अंदर? नहीं, माँ बाहर थी, बाद में अंदर आई थी। तीनों बच्चे ठीक है? हाँ, तीनों 2 बच्चे बिल्कुल ठीक है, एक ही थोड़ी ही हालत मरी ही हालत सी है, उसको ले गए। बड़े की तो 10-12 साल की बेटी है और 9-10 साल का बेटा है, और एक ये 4-5 साल की है, ये 3 बच्चे। कितने लोग हैं? 3-4 फैमिली रहती है। अलग अलग जगह कितने लोग? 3-4 रूम है, 3-4 फैमिली रहती थी। टोटल कितने लोग हैं? टोटल होंगे 15-20। छत की हालत खस्ता थी या कोई बारिश की वजह से? खस्ता है, कंडा पानी गड़ियों वाला मकान खस्ता है, देखो नीचे जमी तो गिरी है। अगर सही हालत होती तो क्यों गिरती? क्या हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ, घर अपने आप गिर गए। बच्चे अंदर टीवी देख रहे थे, उस बच्चे की मम्मी नहा रही थी और कुछ भी नहीं हुआ। कितने बच्चे थे? 3 बच्चे थे। 4 बच्चे? 3 बच्चे। तीनों को बाहर निकाल लिया? हाँ जी, 2 को अपने निकाल लिया, 2 के लोग निकाले, मीडिया वाले, आप लोगों पुलिस वाले, यही सब निकाले। 2 ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.